बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 22 के अंदर आज हम सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला पढ़ेंगे। सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, पूरा नाम जो है इसका मेलानोगास्टर, जिसे हम नॉर्मली फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। सही, इससे पहले हमने सेक्स लिंकेज के बारे में पढ़ चुके हैं कि कुछ अलील्स होते हैं या कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो आपस में लिंक होते हैं एक ही क्रोमोसोम पे होने की वजह से। ठीक है, तो इसके बारे में जो स्टडी थी वो टीएच मॉर्गन, ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन इन 1910, ठीक है, 1910 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर, जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, और उसके ऊपर इन्होंने सेक्स लिंक की स्टडी की थी। और टीएच मॉर्गन बड़े मशहूर साइंटिस्ट हैं, इन्हें टीएच मॉर्गन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक, मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर भी कहा जाता है। जबकि जो मेंडल की जेनेटिक्स थी वो ओल्ड थी, ठीक है, मेंडल ने जो लाज अपने बताए थे वो पी प्लांट के ऊपर बताए थे और उसके अंदर सेक्स लिंकेज का कॉन्सेप्ट नहीं था। सही, सो फर्स्ट टाइम जो सेक्स लिंकेज डिस्क्राइब किया था प्रैक्टिकली वो टीएच मॉर्गन ने किया था। इसके एक्सपेरिमेंट पे जाने से पहले हम थोड़ा बहुत फ्रूट फ्लाई का इंट्रोडक्शन कर लें कि जो फ्रूट फ्लाई होती है ये एक छोटी सी मक्खियाँ होती हैं जो अक्सर आपके खाने पे आ जाती हैं, ठीक है, छोटी छोटी सी मक्खियाँ होती हैं, यानी स्मॉल बीज कह रहे हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स, ठीक है जी, जो कि कम ऑन फ्रूट्स, जो कि फ्रूट्स के ऊपर आती हैं जब यानी ज़्यादा देर तक खुला पड़ा रहे तो। और ये उसकी डायग्राम है, ये नीचे मेल एंड फीमेल। अच्छा, इससे पहले हम क्या कर रहे थे कि ड्रोसोफिला की प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे थे। तो बाज़कुत क्वेश्चन ये आता है कि वाई ड्रोसोफिला इज़ अ यूज़फुल ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक स्टडीज़, ठीक है, कि ड्रोसोफिला इज़ यूज़फुल फॉर जेनेटिक्स, ठीक है, बाज़कुत इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। सो उसके लिए जिस तरह पी प्लांट था, पी प्लांट के ऊपर भी हमने कहा जी मेंडल लकी था कि उसने पी प्लांट चूज़ किया क्योंकि उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स थे, जो खसूसियात थी, वो सब अलग-अलग थी, यानी उनमें लिंकेज नहीं थे, इसलिए उसके जो लॉज थे वो उसके ऊपर पूरे उतरते थे। सही, लेकिन जो नेक्स्ट मसलन जिस तरह ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला के ऊपर हम मेंडेलियन लॉज पूरे नहीं उतरे जब हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर फिर भी कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ये जेनेटिक्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है कि इट इज़ ईजी टू कलेक्ट, ठीक है, जैसे हमने कहा कि ये फ्रूट्स के ऊपर आपको मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। सही, और फिर ये स्मॉल स्पेस रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी जगह हो, बड़े बड़े पिंजरे नहीं चाहिए या खेत बड़े नहीं चाहिए, आप बिल्कुल एक छोटी सी जैम की बोतल हो, मसल जैम की बोतल के अंदर इसे आप ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली जैम की बोतल के ऊपर जो यीस्ट होते हैं, ठीक है, यानी ड्रोसोफिला जो उनसे है, यहाँ पे मैं स्टार बना के लिख देता हूँ, ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला ईट्स यीस्ट, यानी ये यीस्ट को खाती है, ठीक है, डैट ग्रोज ऑन मैश्ड बनाना, ठीक है, कि जो केले होते हैं उसको मैश करके, मैश का मतलब पीस के, तो उसको एक बोतल में डाल के, उसे हम जैम बोतल कहेंगे, उसके अंदर यीस्ट ग्रो करती है, ठीक है। यीस्ट का आपको पता हो थोड़ा बहुत कि यानी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उसको ड्रोसोफिला ईट करती है, खाती है। तो इसलिए ड्रोसोफिला की अहम बात क्या है कि इसे आप थोड़ी सी स्पेस के अंदर भी ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, इनका जनरेशन टाइम भी 2 वीक का होता है, जस्ट 2 वीक जनरेशन टाइम
ठीक है, जनरेशन टाइम से क्या बनाता है कि नई नस्ल आने में सिर्फ 2 हफ्ते लगते हैं, और मैनी एक्स, ठीक है, इसके साथ साथ मैनी एक्स एक ही टाइम में बहुत से एग्स रिलीज़ करती है जो फीमेल होती है, ठीक है, और फिर उसके ज़रिए मैनी एक्स से मतलब मैनी ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है, अगली नस्ल भी काफ़ी तादाद में होगी। सही। इसके अलावा एक और जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि जो ड्रोसोफिला के अंदर मेल और फीमेल होते हैं डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल यानी मर्द और जो फीमेल है ये अलग अलग होते हैं, यानी ये मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं। अगर आप इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो जो फीमेल है ये डिफरेंट होती है मेल से, किस तरह के जो मेल का साइज़ होता है, मेल जो सा है, यहाँ पे लिखता हूँ, मेल इज़ स्मॉलर एंड विद राउंडेड एब्डोमेन, ठीक है, कि जो मेल होता है ये छोटा होता है, ये जिस एग्जाम्पल छोटा है फीमेल के मुकाबले में, और दूसरा इसका जो नीचे से एब्डोमेन होता है वो राउंडेड होता है। सही। इसके अलावा जो मेल होता है इसके पास सेक्स कॉम्ब्स भी होते हैं, ठीक है, ये जो इसके फोर लेग कह लें, फोर लेग से मतलब जो आगे वाली टांगे हैं, फोर लेग्स के ऊपर सेक्स कॉम्ब्स, ठीक है, सेक्स कॉम्ब्स भी मौजूद होते हैं, सेक्स कॉम्ब्स आर प्रेजेंट ऑन फोर लेग्स ऑफ मेल फ्लाई, कि जो मेल ड्रोसोफिला होगा उसके फोर लेग्स यानी जो आगे वाली टांगे हैं उसके साथ सेक्स कॉम्ब्स होंगे, जो कि सेक्स यानी इंटर ब्रीड के दौरान हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसके डिफरेंट जेनेटिक्स हैं, डिफरेंट जीनोटाइप कह लें कि मेल और फीमेल के डिफरेंट जीनोटाइप हैं, और अप टू 85 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यानी 85 खसूसियात या ट्रेट्स जिसे हम कहेंगे स्टडी हो चुकी है, ठीक है, इसकी 85 ट्रेट्स स्टडी हो चुकी है, यानी इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है, इसी वजह से कि एक तो इसका जीनोम भी छोटा सा है, सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स इसके जीनोम के अंदर आते हैं, यानी इसके अंदर ये फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड दिस वन इज थर्ड, और लास्ट में जो नीचे अंदर जो ये चार, तो 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओनली 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इसी 4 पेयर्स की वजह से इसका जो पूरा जीनोम है वो स्टडी हो चुका हैज़ बीन स्टडीड, ठीक है, जीनोम इज स्टडी, इसका पूरा जीनोम स्टडी हो चुका है कि नहीं, जीन्स की लोकेशन क्या क्या है, फिर उसके जो जीनोम की स्टडी में आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर पूरे न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस बनाया जाता है, तो इसके न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस बन चुका है। सही है। तो इसलिए ये अक्सर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और दूसरा ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये विजिबल भी होते हैं, दिस आर विजिबल इन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसे आप माइक्रोस्कोप में भी स्टडी कर सकते हैं, जो इनके होते हैं ना स्लेवरी सेल्स, स्लेवरी सेल्स से क्या मुराद है कि जो उनके माउथ में होते हैं स्लेवरी सेल्स, तो उसके अंदर जो डीएनए होता है, ठीक है, नहीं या क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स कैन बी सीन इन स्लाइवरी सेल्स ऑफ, ओ सॉरी, स्लाइवरी सेल्स ऑफ फ्रूट फ्लाई, या जिसे हम ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर भी कहते हैं। सो यानी एक किस्म का ये एक्सलेंट मटेरियल है जिसके ज़रिए हम क्रोमोसोम्स की स्टडी कर सकते हैं, जेनेटिक्स की स्टडी कर सकते हैं, और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के अंदर, मॉर्गन ने किया क्या था, मॉर्गन ने अपनी टीम थी इसकी एक, ठीक है, मॉर्गन एंड हिज को वर्कर, यानी अगर हम इसे लिखना स्टार्ट करेंगे तो मॉर्गन एंड ही
हिज को वर्कर्स यानी जो उसके साथ लैब्स में मौजूद थे, जो उस पर काम कर रहे थे, उन्होंने 1910 के अंदर, इन 1910 के अंदर उन्होंने देखा कि एक रेड आई फीमेल, ठीक है जी, रेड आई फीमेल जो कि होमोजाइगस थी। होमोजाइगस से क्या मतलब है कि उसके पास सारे जीन्स रेड के थे। फॉर एग्जाम्पल रेड आई फीमेल को हम कैपिटल आर के देखेंगे, ठीक है। रेड आई फीमेल से इस तरह रेड आई नॉर्मल जो मेल्स होते हैं वो रेड आई मेल्स होते हैं, सही। लेकिन उन्होंने एक डिफरेंट यानी वाइट आई मेल को उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है। यानी उसका एक दोस्त था कैल्विन ब्रिजिस, ठीक है, यानी उसका कोवर्कर था कैल्विन ब्रिजिस, उसने देखा कि एक वाइट आई मेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो अमूमन क्या होता है, रेड आई होता है, लेकिन उसने देखा कि एक वाइट आई मेल भी मौजूद है, सही। फॉर एग्जांपल इसे हम आर का कहते हैं, सही। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं शुरू में ही आपको हिंट दे दूं कि ये जो रेड आई और वाइट आई के जीन्स होते हैं ये लोकेट करते हैं एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर, एक्स क्रोमोसोम्स के अंदर। तो जो फीमेल्स होते हैं ये डबल एक्स होता है, डबल एक्स मीन दोनों के पास कैपिटल आर होगा, ठीक है। और जो मेल्स होते हैं ये एक्स वाई होते हैं, यानी एक्स के ऊपर स्मॉल आर और वाई के ऊपर कोई जीन नहीं है, सही। तो रेड आई से क्या मतलब है कि दोनों यानी रेड आई को इन्होंने एक और नाम भी दिया, दैट इज़ वाइल्ड टाइप, इट इज़ आल्सो नोन एज वाइल्ड टाइप फीमेल फ्लाई या फीमेल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, सही। दोनों के साथ कैपिटल आर यानी रेड का जीन मौजूद है, जबकि एक वाइट आई मेल है जिसके साथ स्मॉल आर है, सही। अब क्योंकि इसके अंदर यानी वाई के ऊपर जीन नहीं लोकेट करता, इसलिए इसके ऊपर सिंगल जीन है जो कि एक्सप्रेस होता है, ठीक है। जबकि इसके अंदर बाज़ का अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। मसलन अगर हम इसको क्रॉस करवाते हैं फर्स्ट टाइम, चलिए इधर मैं छोटा सा क्रॉस करवाता हूँ कि वाइल्ड टाइप एंड वाइट आई मेल, ठीक है। वाइट आई मेल के हम यहाँ पे बनाते हैं, मतलब यहाँ पे एक्स आर होगा और यहाँ पे वाई होगा, सही। जबकि वाइल्ड टाइप के मैं यहाँ पे गैमेट्स बनाता हूँ, एक्स कैपिटल आर। सो ये एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर आ जाएगा, एक्स कैपिटल आर वाई एक्स कैपिटल आर वाई, सही। सो यहाँ पे उसने क्या ऑब्जर्व किया है कि सब रेड आई होंगे, ठीक है। यानी ये जो मेल्स हैं ये भी रेड आई हैं और जो ये फीमेल्स आएंगी ये भी रेड आई होंगी, ठीक है। लेकिन ये जो से रेड आई हैं ये होंगी हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्यों होंगे, क्योंकि एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, ठीक है। ये वाइल्ड टाइप नहीं होंगी, यानी हमारे पास जो F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन में अगर मैं यहाँ पे इसका रिजल्ट लिखूँ तो इन F1 जनरेशन ऑल आर रेड आई बट हेट्रोजाइगस के होंगे, ये हेट्रोजाइगस यानी एक्स कैपिटल आर और एक्स स्मॉल आर, ये हमारे पास आएंगी। कह लें कि F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन आएगी, जिसे हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी कहते हैं। अच्छा, इसी एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा पिक्चर के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो क्रोमोसोम है वाइल्ड टाइप का, इसके तो दोनों के अंदर रेड रेड के साइन बने हुए हैं यहाँ पे, बल्कि सॉरी एक्स क्रोमोसोम विद वाइल्ड आई, यानी इसके देखें हम दोनों के साथ रेड 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 किस चीज़ को शो कर रहे हैं कि यानी ये दोनों एक्स कैपिटल आर है और एक्स कैपिटल आर है, सही। और एक है जी वाई सॉरी मेल है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है विदाउट रेड साइन, रेड साइन से क्या मतलब है कि एक्स स्मॉल आर है। फिर इनके आपस में क्रॉस होते हैं तो तमाम सारे के सारे जो से वो रेड आई आएंगे, इवन मेल्स भी और फीमेल्स भी, लेकिन ये होंगे हेट्रोजाइगस, ठीक है। इसे हम होमोजाइगस नहीं कहेंगे क्योंकि इसके अंदर दोनों रेड आई के जीन नहीं है, बल्कि एक रेड आई का है और एक वाइट आई का है,
सही। सो ये तो चीज़ समझ आ गई, ठीक है, ये होंगे कौन से हेट्रोजाइगस, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे एक टर्म और चीज़ आ रही है कि जो फीमेल्स हैं डॉटर जोन से, ये तो हेट्रोजाइगस है। अच्छा जो मेल्स हैं ये हेमीजाइगस लिखा हुआ है, व्हाट इज़ मीन बाय हेमीजाइगस, यहाँ पे भी हेमीजाइगस है। हेमीजाइगस से मुराद क्या होता है, हेमी का क्या मतलब होता है, मतलब हाफ, ठीक है, कि इनके पास यानी सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, सेट ऑफ जीन्स नहीं है, ओनली सिंगल जीन है, ओनली सिंगल जीन है, ठीक है, विदाउट, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहेंगे, विदाउट अलील, किसके पास अलील नहीं मौजूद, इसलिए इसे हम हेमीजाइगस कहेंगे। तो जो मेल्स हैं वो हेमीजाइगस होंगे, जाहिर बात है क्योंकि उनके पास सिंगल एक्स है, ठीक है, मेल्स आर हेमीजाइगस एज दे हैव, इन उनके पास सिंगल एक्स है, ठीक है, और इस एक्स पे कैपिटल आर भी हो सकता है, इस एक्स पे स्मॉल आर भी हो सकता है। कैपिटल आर होगा तो ये रेड बन जाएंगे, रेड आई, और अगर स्मॉल आर होंगे तो ये वाइट आई बन जाएंगे, वाइट आई मेल्स, सही है। लेकिन ये दोनों केसेस के अंदर होंगे हेमीजाइगस, क्योंकि इनके पास सिंगल जीन होगा, यानी उसका कोई अलील नहीं होगा, सही। अच्छा यहाँ तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन जब उसने F1 को क्रॉस किया अगेन वाइट आई के साथ, सॉरी वाइट आई के साथ नहीं, रेड आई के साथ, अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास जो फीमेल्स थी वो हेट्रोजाइगस थी, और जबकि जो मेल्स हैं वो हेमीजाइगस है, और रेड आई के साथ आ रहे हैं, ठीक है, यानी सन्स आर रेड आई, डॉटर्स आर रेड आई विद हेट्रोजाइगस, सही। तो उसी ने इन्हीं का क्रॉस किया, यानी फर्दर क्रॉस F1, क्रॉस F1, तो हमारे पास जो F1 में था जो फीमेल्स आई थी वो, यानी एक्स कैपिटल आर और एक्स स्मॉल आर के साथ आई थी, सही, और जो मेल्स आए थे हमारे पास वो एक्स कैपिटल आर और वाई के साथ आए थे, सही। अच्छा ये जो एक्स और वाई की स्टेटमेंट है ये तो मैं आपको दे रहा हूँ, यानी यानी दिस वाज नॉट नाउन, उस टाइम ये मौजूद पता नहीं था कि ये क्रोमोसोम एक्स के ऊपर होता है या वाई के ऊपर होता है। ये सिंपल है कि उन्होंने देखा दोनों रेड आई हैं तो हम इनका आगे क्रॉस करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन, अगर हम इसके अंदर अपनी कह लें कि जजमेंट लें मेंडेलियन जेनेटिक्स के मुताबिक, इसके अंदर 1:3 आनी चाहिए, ठीक है, नहीं आफ्टर क्रॉस रेशो शुड बी, रेशो जो सी 1:3 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ। लेकिन होता है क्या है, जब इसका क्रॉस होता है तो खैर इसके पहले तो होंगे कि गैमेट्स प्रोडक्शन होगी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा, एक्स आर यहाँ पे गैमेट्स में आ जाएगा, एक्स स्मॉल आर इसके गैमेट्स में आ जाएगा, एक्स कैपिटल आर, सही, और वाई आ जाएगा। अब क्रॉस कराते हैं हम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा यहाँ पे, एक्स कैपिटल आर, एक्स कैपिटल आर, फिर एक्स कैपिटल आर और वाई, फिर एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, और लास्ट में एक्स स्मॉल आर और वाई, सही। तो इसके अंदर अगर आप देखें हमारे पास ये रेड आई फीमेल्स हैं, ये भी, अच्छा ये जो रेड आई फीमेल्स हैं ये होमोजाइगस कंडीशन में आएंगी, सही, ये रेड आई मेल हैं, मेल्स हैं, अच्छा ये हेमीजाइगस होंगे, फिर रेड आई फीमेल है, रेड आई फीमेल, ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, और लास्ट में ये वाइट आई मेल्स हैं, और ये भी हेमीजाइगस ही है।
अच्छा, मॉर्गन को यहाँ पे क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही थी? उसने जो सोचा था 1:3 आएगी, लेकिन यहाँ पे जो उसने जब टोटल नंबर ऑफ जनरेशन काउंट की उसने, तो इसमें अगर हम कहें कि सारे जो रेड आई फीमेल्स आई उनकी अमाउंट थी ऑलमोस्ट 2459, ठीक, और जबकि हमारे पास जो वाइट आई मेल आए, वाइट आई मेल्स आए वो सिर्फ 782 आए। तो नहीं, ये अगर हम इसकी रेशो लें तो ये 1:5 बनती है, नॉट 1:3। किसी भी तरह भी मेंडल आप ये फिट नहीं होती थी। तो फिर उसने यानी इसका आगे कुछ रिवाइज टेस्ट किए, इसके टेस्ट क्रॉस जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद उसने यानी हाइपोथेसिस दिया कि अगर इस तरह की रेशो आ रही है तो जो यानी आई कलर जीन है इट शुड बी लोकेटेड ऑन, सॉरी, वाइट कलर, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, वाइट आई कलर जीन जो सा है, वाइट है ये, रेड आई कलर जीन है, इट इज़ लोकेटेड ऑन एक्स, ठीक है, यानी ये एक्स क्रोमोसोम्स में मौजूद है और नॉट ऑन नॉट ऑन, सॉरी मैं वाई वो वाला लिख रहा हूँ, नॉट ऑन वाई क्रोमोसोम, सही है। इसीलिए सो इसके बाद उसके पास क्या रिजल्ट आया, सो ऑल वाट आई वर मेल्स, ठीक है, कि सारे के सारे जो वाइट आई थे वो मेल्स थे, और इसी तरह जो ऑल रेड आई वर फीमेल्स, ठीक, और इसीलिए रेशियो भी डिफरेंट आ रही है, ठीक है, कि रेशियो भी डिफरेंट है, सही। सो आई कलर जीन्स ऑन एक्स नॉट ऑन वाई, ये उसने बाद में प्रपोज किया था, सपोज किया था, फिर उसको उसने वेरीफाई किया फर्दर, इसके कुछ टेस्ट क्रॉस हैं जो हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। सो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया, हमने टी एच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट यानी सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के बारे में बात की, थोड़े बहुत ड्रोसोफिला की हमने ऐसी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी जिसकी वजह से इसे हम जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, यूज़फुल है ये जेनेटिक्स के लिए, मसलन ये स्मॉल स्पेस लेती है और इजीली ग्रो कर सकती है, जनरेशन टाइम इसका सिर्फ 2 हफ्तों का है, और ये लार्ज नंबर ऑफ एग्स हैं, इसके अलावा मेल और फीमेल में फ़र्क आसानी से पता चल जाता है, और यानी इसके सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स हैं जिसके ऊपर हम इजीली वर्क कर सकते हैं, इसके अलावा 85 ट्रेट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है, सही। तो ये कुछ करेक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम स्टडी करते हैं, और फिर उसके एक्सपेरिमेंट पे आए, हमने रेड आई और वाइट आई मेल उसका क्रॉस करवाया, उसके बाद हमारे पास सब रेड आई फीमेल्स और रेड आई मेल्स आए, लेकिन जो फीमेल्स थी वो हेट्रोजाइगस थी और जो मेल्स थे ये हेमीजाइगस थे, ठीक है। अच्छा, ये सब कंडीशंस, ये सब जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं हेमीजाइगस की और एक्स और वाई की, ये उस टाइम मालूम नहीं थी, सिंपल एक्सपेरिमेंट था, सही। जब एक्सपेरिमेंट हुआ और जब रिजल्ट उसने देखे कि यार ये 1:5 बन रही है, उसके बाद उसने एनालाइज करना शुरू किया कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमारे पास सिर्फ वाइट आई मेल्स हैं और रेड आई फीमेल्स हैं, ठीक है, वो भी इनकी रेशो 1:5 बने। तो फिर उसने कहा कि यार ये उसी वक्त हो सकता है कि अगर जो आई कलर जीन है ये एक्स पे हो, क्योंकि मेल में तो दूसरा एक्स होता नहीं है, इसलिए मेल्स जितने भी आए वो वाइट आई में आए, ठीक है, जबकि जो फीमेल्स थी वो रेड आई में आए। सो इसको फिर आगे उसने फर्दर टेस्ट क्रॉस किया जो कि हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।